हरे कृष्ण। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भक्ति अगर करें तो भक्ति के साथ अपने पढ़ाई को और जॉब को कैसे बैलेंस करें, अपने लाइफस्टाइल को कैसे डिसिप्लिन में लाएं। डिटर्मिनेशन आज के युग में बहुत जरूरी है और बहुत कम है विल पावर और डिटर्मिनेशन। कंफ्यूजन बढ़ गया है, पुरानी आदतें के कारण हम इधर उधर खींचे चले जाते हैं। संसार में डिस्ट्रैक्शंस इतने बढ़ गए हैं कि अगर आप एक जगह फोकस करना भी चाहें तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर को ही देने के लिए हम कुछ टिप्स बता रहे हैं। पहले हम जानते हैं कि समस्या क्या है, स्पेशली आज के नौजवानों के लिए, वो है नींद। नींद का समय, जैसे अलग अलग सूत्र होते हैं शास्त्रों में, छोटे छोटे स्टेटमेंट में आपको सोल्यूशन दिए रहते हैं, ऐसे ही श्री उपदेशामृत एक बुक है जिसमें सिर्फ 11 श्लोक दिए हैं, उसमें बताया जाता है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर् भक्ति विनश्यति। अत्याहार और प्रयास, भगवान भी गीता में यही बताते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो ज्यादा खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, ये योगी नहीं बन सकता, ये कभी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी सकता, फोकस नहीं बढ़ेगा। लाइफ में कुछ करने की इच्छा तो है हमारी, लेकिन हमारे जो आदतें हैं उसको पहले सुधारना पड़ेगा। आज परेशानी क्या है, सभी प्रायः लेट सोते हैं, स्पेशली जो नौजवान है, यूथ है हमारे, बहुत लेट सोते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी जो बेस्ट टाइम सोने का है वो 9 और 10 के बीच में है, और उठने का टाइम है 3:30-4:00-5 के आसपास उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि बॉडी सही चलता है। अब अगर हम सोते हैं लेट तो उससे क्या होता है, उससे हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ता है। कई बार हमको लगता है कि सवेरे जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना या जप करना या अच्छा ब्रेकफास्ट करना, इन सब से हमारा दिन अच्छा होगा, लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि हमारी रात कैसे है, हम सोने से पहले क्या कर रहे हैं, वो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को इम्प्रूव करता है या तो नीचे ले जाता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वीडियोस देखते रहते हैं। वो वीडियोस देखने से क्या होता है, उनकी चेतना में वही चलता है। सोते समय भी जो है उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि बहुत वैरायटी के थॉट्स आते हैं, पीसफुल स्लीप आज नहीं मिल रही है। पीसफुल स्लीप कैसे मिलेगी, आज आप देखें तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो प्रायः 10-11 बजे तक सो जाते हैं, सवेरे 5-6 बजे के बीच में उठ जाते हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आप देखेंगे ये कल्चर है। अगर सवेरे उठ के जो आप एक्वायर कर सकते हैं नेचर से, वो सबसे हाई वैल्यू का रहता है। अगर रात को आप 10 बजे तक सो जाते हैं, सवेरे उठ जाते हैं 4 बजे तक 4:30 बजे तक, नहा धो के अपना बढ़िया हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय क्या होता है, दुनिया के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लीडर्स हैं वो इस समय में सोचते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में उनको नए नए आइडियाज आते हैं कि करना क्या है। योगा वाले योगा करते हैं, लेकिन इन सबसे बेस्ट है जो टॉप मोस्ट योगा है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। आप सवेरे 5 से 7 के बीच में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, गीता के श्लोकों का उच्चारण कीजिए उसके बाद। अब शास्त्र कहते हैं अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुद्धि काम नहीं करेगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। तो टाइम पे सोना टाइम पे उठना बुद्धि को शार्प करता है। तो ये जब हम देखते हैं ये तीन चीजें, तो अगर आप सही टाइम पे सोते हैं, सही टाइम पे उठते हैं, सवेरे अपना डिसिप्लिन जो क्या होना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, भगवद्गीता के श्लोकों का उच्चारण करना, पढ़ना और भगवद्गीता को सुनना, इसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, ऑफिस जाइए, क्योंकि आपने सवेरे हरे कृष्ण मंत्र जप किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी मॉर्निंग कैसे, आपकी सुबह कैसे, सवेरे 5 से 7-8 तक इन 2-3 घंटों में आप क्या करते हैं, ये साइंस है।
हर जगह ये सक्सेस मिला है, आज भी मिल रहा है और आगे भी इन्हीं चीजों से सक्सेस मिलेगा। तब आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, टेम्पटेशन आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और भक्ति के साथ अपने पढ़ाई को, अपने जॉब को आप आराम से बैलेंस करते हुए एक बहुत अच्छी, सिर्फ हेल्दी नहीं यानी शारीरिक लेवल पे हेल्दी नहीं, शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों लेवल पे एक बहुत ही अच्छा हेल्दी बैलेंस्ड लाइफ आप जिएंगे और खुश रहेंगे इसमें। हरे कृष्ण।